करते हैं लखनऊ का, जहां सीएम ऑफिस पर क्या कुछ कह रहे हैं सीएम, सुनते हैं। महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार जी, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, हमारे प्रशासन और पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी, वित्त श्री दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, हमारे प्रशासन और पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी नव चयनित अभ्यर्थीगण, उनके अभिभावकगण, मैं सबसे पहले आप सबके चयन के लिए आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देते हुए आप सभी उत्तर प्रदेश शासन का पार्ट बन रहे हैं, इसके लिए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि अब हमें डिप्टी कलेक्टर के 39, डिप्टी एसपी के 41 और कोषाधिकारी के 16 नए युवा अधिकारी प्राप्त हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की स्पीड को बढ़ाने में ये सभी अपना योगदान दे पाएंगे, मैं यह आप सबसे अपेक्षा रखता हूं। आपने देखा होगा, जब सरकार ईमानदारी से कार्य करती है तो उसका ओवरऑल परसेप्शन चेंज होता है। पिछले 7 वर्ष में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश था 17 के पहले भी था, लोग वही थे, यहां पे भी जो लोग बैठे हुए हैं इन लोगों को भी दशकों काम करते हुए हो गए, लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों के मन में एक संदेह हुआ करता था। एक बड़ी आबादी को संदेह के दायरे में इस मशीनरी ने खड़ा करके रखा हुआ था, लेकिन 7 वर्ष में लोग वही, प्रदेश वही, विभाग वही, केवल कार्य संस्कृति बदली। आज करोड़ों लोगों की पहचान का संकट नहीं, बल्कि वह कहीं जाता है तो सीना तान करके कहता कि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, तो उत्तर प्रदेश वासियों को सम्मान कर सकता है। ये जो भी हुआ है ये इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ने एक निर्णय लेने का मैकेनिज्म तैयार किया, अपनी कार्य पद्धति में शुचिता और पारदर्शिता को महत्व दिया, ईमानदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, तो उसके परिणाम भी उसी रूप में हम सबके सामने आते हुए दिखाई दिए। अगर पहले की तरह ही हम घुमाने की आदत डालते, याद रखना उस व्यक्ति को तात्कालिक संतुष्टि हो सकती है, लेकिन वह लाखों और करोड़ों लोगों की बददुआ से कभी बच नहीं सकता। और खासतौर पर अधिकारी संवर्ग में दोनों तीनों प्रकार की जो कैटेगरी यहां पर बैठी हुई है, उन सबसे मैं यही कहूंगा, आपके पास अपने सेवा के माध्यम से जनता जनार्दन की दुआ लेने का भी अवसर होता है और बददुआ लेने का भी पूरा अवसर होता है। आपको तय करना होता है कि आप अपने इस पीरियड को, पूरा जो एक कार्यकाल होगा आपका 30 वर्ष का, 35 वर्ष का, इस 30-35 वर्ष का कार्यकाल आप दुआ लेने के लिए और आगे के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए करना चाहते हैं या बददुआ लेने के लिए करना चाहते हैं। क्योंकि मैं देखता हूं रिटायरमेंट के बाद ऐसे लोगों की बड़ी दुर्गति होती है, फिर कोई पूछने नहीं जाता, झांकने नहीं जाता, और उसमें से बहुत सारे अधिकारियों को तो मैं यही सचिवालय का चक्कर लगाते हुए देखता हूं, क्योंकि बहुत बार लोग आते हैं कहते हैं साहब मेरा ये काम अटका हुआ है। मैं कहता हूं सब तुम्हारे ही उत्तराधिकारी हैं जो तुम्हारा काम अटका रहे हैं, कोई बाहरी नहीं है, यही काम तुम भी करते थे, तो जो काम किए हो फल तो वही काटोगे जो बीज बोया है। और इसीलिए आपने देखा होगा पूरी प्रक्रिया में पहली बार किसी आयोग या बोर्ड के द्वारा चयन की प्रक्रिया को एक समय सीमा के अंदर पूरा किया गया, 9 महीने के अंदर
आपकी पूरी परीक्षा की प्रणाली और पूरे रिजल्ट को देने में मात्र 9 महीने के अंदर ही इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया गया। न कोई सिफारिश, न कहीं से कोई हस्तक्षेप, और जहां पर जिन लोगों ने परीक्षा की स्वच्छता पे कुछ भी उसमें घुसपैठ करने का प्रयास किया, वे लोग उसका खामियाजा भुगत भी रहे हैं। आपने देखा होगा उनकी सबकी प्रॉपर्टी भी जब्त हो रही है, उन सबके घरों में रेड पड़ रहा है, उन लोगों को पूरी तरीके से सरकार अपने शिकंजे में ले चुकी है और पहले तय कर चुकी है कि अगर किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो सरकार उसके भविष्य के साथ जरूर खिलवाड़ करेगी, और उतनी ही शक्ति के साथ उनसे निपटने का काम भी कर रही है। जो लोग परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास करेंगे, वे कहीं भी छुपे होंगे, उनको बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगती। और मुझे लगता है कि आज वो कार्य प्रदेश के अंदर बखूबी हो रहा है, और इसी शुचिता और पारदर्शिता का परिणाम है कि गत 7 वर्ष के अंदर इस डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के अंदर 6.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा में लेने में सफलता प्राप्त की। प्रदेश के अंदर हमारी मशीनरी के कार्य की स्पीड के कारण प्रदेश में करोड़ों नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधा प्रदेश के अंदर ही प्राप्त हुई। अलग अलग सेक्टर में उसे आगे बढ़ने का प्रयास, उसको एक अवसर प्राप्त हुआ, और आज हम देख रहे हैं कि इसका परिणाम यहां की पर कैपिटा इनकम पे पड़ा है, यूपी की जीडीपी पे पड़ा है, यूपी देश के अंदर आज दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर करके सामने आया है। ये तब होता है जब कहीं कार्य होता है, जब एक साथ मिलकर के पूरी मशीनरी टीम वर्क के साथ आगे बढ़ने का कार्य करती है, और आज उसके परिणाम भी हम सबके। आप बहुत महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट के इंजन के रूप में आपको अपनी भूमिका का निर्वहन करना है, और उसमें खासतौर पर डिप्टी कलेक्टर, अब तो टेक्नोलॉजी काफी इंप्रूव हो चुकी है, और मुझे लगता है कि जब तक आप फील्ड में आएंगे तब तक हम लोग राजस्व के सभी कार्यों को पूरी तरह डिजिटाइज करने में सफल हो चुके होंगे। लेकिन फिर भी मेरा यह मानना है कि आज भी विवाद का कारण राजस्व से संबंधित ज्यादा मामले पड़े हुए हैं। अगर इन मामलों को समयबद्ध तरीके से बैठने की आदत डिप्टी कलेक्टर अपनी तहसील में करके और पहले दिन तय करें कितनी पेंडेंसी है, और फिर उसको लेकर के एक समय सीमा के अंदर अपने निस्तारण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा लें, क्योंकि बहुत सारे मामले तो इसलिए होते हैं कि जिस दिन आप किसी मामले में निर्णय देने के लिए होते हैं उस दिन वहां पर हड़ताल होने लगती होगी। एक बार दो बार नोटिस जारी करिए, नहीं तो फिर दोनों पार्टियों से बोले कि वे स्वयं ही यहां बहस करके बता दो अपनी बात को और निर्णय लेकर के आप त्वरित रूप से आगे बढ़ते हैं, कोई समस्या नहीं आती, फिर समाधान तक आप स्वयं पहुंच सकते हैं। एक गरीब को न्याय देना हमारा दायित्व तो होना चाहिए, उस गरीब के साथ हम खड़े होंगे जिसकी किसी मंच पर सुनवाई नहीं हुई है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने में भी आप बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं, लैंड रिकॉर्ड के साथ साथ राजस्व से संबंधित सभी प्रकार के इन कार्यों में आपकी एक बड़ी भूमिका होती है। डिप्टी एसपी का पद भी इसी प्रकार का है, ये कोई सेरेमोनियल पद नहीं है कि बैठा दिया और केवल जो है अपना एक पिकनिक बनाने के लिए एक थाने में जा रहा, उस थाने में जा रहा, वहां की एक एक गतिविधि को वाच करना। थाने में हम जब विजिट कर रहे हैं हम देखें तो क्या स्थिति है थाने की, पब्लिक के साथ व्यवहार कैसा है, यहां पे मामले जो दर्ज किए गए उनमें चार्जशीट की स्थिति क्या है, वहां पर अन्य मामलों में किस रूप में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, कितने ऐसे अपराधी हैं जिन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करके आप उस थाने क्षेत्र को पूरी तरह अपराध से मुक्त कर सकते हैं, वहां पे पीआरबी की पेट्रोलिंग की स्थिति क्या है, वहां पे ट्रैफिक की स्थिति क्या है, प्रोसिक्यूशन को आगे बढ़ाने में थाने स्तर पर क्या प्रयास होने चाहिए, ये बहुत सारे मामले हैं जिनकी आप समीक्षा कर सकते हैं। थाने के अंदर रिकॉर्ड के रख रखाव के लिए क्या कार्रवाई हो रही है, ऐसे कोषाधिकारी के रूप में भी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उपयोग करते हुए कैसे हम लोग वहां आने वाले एक एक व्यक्ति को राहत देने में अपना योगदान दे सकते हैं, एक बड़ी भूमिका है।
और उस भूमिका के साथ अगर आप कार्य करते हैं तो करोड़ों लोगों की दुआ आपके साथ चलती है। आपकी सर्विस तो मेरिट के आधार पर आगे बढ़ती ही है, लेकिन साथ साथ करोड़ों लोगों की दुआ भी आपके साथ चलती है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए एक उज्जवल भविष्य को आपको आगे बढ़ाने में योगदान देती है। लेकिन जब हम लोग कोताही बरतते हैं, अधिक से अधिक नेगेटिविटी ये मान करके चलते हैं हमें इसका बिगाड़ना ही है, आप बिगाड़ने के लिए नहीं बैठे हैं जी, कोई किसी पद पर इसलिए नहीं बैठा है कि वो किसी का बिगाड़ेगा, अगर बिगाड़ता है तो बद्दुआ का पात्र बनता है। आप इसलिए बैठे हैं आप समस्या को समाधान तक पहुंचा सके, आप समाधान के लिए आपकी नियुक्ति की गई है, समस्या देने के लिए नहीं बनाई गई है। एक किसी भी पद पर बैठा हुआ प्रशासनिक या पुलिस का अधिकारी या किसी भी संवर्ग का अधिकारी वो समस्या नहीं होना चाहिए, स्वयं में समस्या का समाधान बनना चाहिए, और समस्या का समाधान बनने की दिशा में हम सार्थक प्रयास करेंगे तो हम उन दुआओं के पात्र बनेंगे जिसके लिए व्यक्ति सर्विस में आता है, आगे बढ़ता है। और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी लोग पूरी ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार की इस स्पीड को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे पाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए आप उनके हितों का संवर्धन वाला बन पाएंगे, एक संवेदनशील प्रशासन के रूप में, त्वरित निर्णय लेने वाले प्रशासन के रूप में आपकी छवि बन पाएगी। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इस नियुक्ति के लिए, समयबद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद देता हूं। आपको और आपके परिवार के सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं, और आप सभी को उत्तर प्रदेश शासन का प्रशासन का हिस्सा बनने के लिए हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।